जुलाई 4, 2023 एक यूट्यूब चैनल पर हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की एक क्लिप अपलोड करी जाती है, जिसमें वो श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अपना ओपिनियन रख रहे थे। मगर उसके तुरंत बाद सो कॉल्ड आरके मिशन के सपोर्टर्स ने उन्हें हेट देना चालू कर दिया। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजीज़ का किसी ने खंडन कराओ? द आंसर इज अ बिग नो। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 1, 2021 को उद्धव राठी एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो बताता है कि स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजीज़ कितनी एंटी हिंदू थी। एक और चैनल की बात करते हैं, रियल इंटेंशन, जो इसी टॉपिक के अराउंड अक्टूबर 31, 2022 को एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो भी ये बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजीज़ वर नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म। और ना जाने ऐसी कितनी वीडियोस यूट्यूब पर आज भी पड़ी हैं जिनमें स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजीज़ का खंडन करा गया, लेकिन क्या किसी ने उन पर सवाल उठाया? द आंसर इज अ बिग नो। तो क्या प्रभु जी के द्वारा इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही गलत बताया गया है, या फिर ये इस्कॉन को टारगेट करने की एक और कॉन्स्पिरेसी है? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं, प्रभु जी का बिफोर इनिशिएशन नेम था मिस्टर आशीष अरोड़ा एंड ही वाज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन अमेरिकन एमएनसी। ही केम टू इंडिया, लेफ्ट हिज जॉब एंड ही सर्विंग इन इस्कॉन द्वारिका राइट नाउ। प्रभु जी जाने जाते हैं उनके स्टाइल और जॉली बिहेवियर के लिए, जिसके द्वारा वो हार्ड टॉपिक्स को भी बहुत ईजिली समझा देते हैं मॉडर्न यूथ को। एंड बाकी उनके पर्सनल बिहेवियर के बारे में जानने के लिए कुछ क्लिप्स देखिए। सौभाग्यशाली है कि इस्कॉन द्वारका में उनका अवस्थान है और हमें उनका रेगुलर मार्गदर्शन मिलता रहता है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो ये मार्गदर्शन है, उनका सान्निध्य हमें बहुत लंबे समय तक मिलता रहे। हमारे तुलसी गार्डन में सर्प था, उसको भागवत कथा सुनाते थे और उसको भी उद्धार कर दिए, तो हम जैसे भी प्रभु जी ने उद्धार कर दिया। हरे कृष्णा। शायद हम इतना डिजर्व नहीं कर रहे थे, कोई पूर्व जन्मों का कोई संबंध था और कुछ पूर्व जन्म के कुछ अच्छे मेरे कर्म होंगे जो मुझे इतना प्यारा सा बच्चा भगवान ने दिया, और वो आज सबके बीच में इतना खुश है कि मैं जब इसका वेलकम देख रही थी तो मेरी आंखें भर आई कि कितना प्यार ये भी लिखवा के आया है, इसने भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि ये इतना प्यार लेता है, इतना प्यार लेता कि कभी कभी इसको शायद हम पेरेंट्स के प्यार की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में प्रभु जी जैसा इंसान कुछ बोलेगा? वाज इज इन्फॉर्मेशन करेक्ट? लेट्स वेरीफाई। कोई मछली खाए, सिगरेट फूके, ये बोलना फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है, भगवद्गीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती, तो भाई तुम 3 घंटा फुटबॉल खेलो और आधा घंटा गीता पढ़ लो, कर सकते हैं ना। पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है। बैंगन खाना तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि बैंगन से पेट भरता है। तो इस चीज से ये तो साबित हो जाता है कि प्रभु जी की जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज ओरिजिनल एंड दैट वाज ट्रू। तो जब सारी चीजें सही हैं तो प्रॉब्लम किधर आ रही है? Actually, the problem is that these people don't understand. They just want to target ISKCON for no reason. For example, ये channel देखिए, even on Instagram, ये channel. इतने सारे channel already present हैं ISKCON को target करने के लिए। जब इनको कुछ भी ऐसा topic मिलता है by which they can target ISKCON and its people, they always do it as an opportunity. एक बार ये video देखिए। Some people say, Mr. Lakhani, Vivekananda is not a good person because when he was in America, he was eating meat and he was drinking wine. Horrible man. How can you call him a Hindu? Why can I possibly trust a person like Vivekananda? And Vivekananda also used to get that kind of comment from his guru bhais from India saying, why did you eat meat? And Vivekananda was very cutting. He said, look, my friend, Hindus, I'm traveling in this horse and cart, or horse and carriage across USA, giving very powerful lectures on spirituality throughout the United States. I don't have a cook. I don't have vegetables with me. If I want to survive, I go in a restaurant somewhere, they throw me out thinking I'm a black man. I still survive. And if they plunk a piece of meat, I put a lot of Tabasco sauce and eat it because I come for a work job, not what comes in my mouth. So if you are so keen that I stay vegetarian, send me a vegetarian cook with vegetables from India and I'll be a vegetarian. You must slap back. You must do that. The man was killing himself for the betterment of India and Indian ideas. And yet he said, oh, he ate meat. Good for him. Why not? He has to survive to continue his work.
ये बोल रहे हैं कि ऐसा सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था स्वामी विवेकानंद जी के साथ कि उनको ऐसा करना ही पड़ा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। इनको रिप्लाई करते हुए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी या फिर हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य का, जो कि 70 ईयर्स की एज में 40 रुपए लेकर निकले थे इंडिया से बिना किसी के साथ अकेले, और उस यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आए। मैं इस बात पर एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि जब वे अमेरिका में उतरे थे तो उनके पास भी कोई कुक नहीं था, इवन उनके साथ कोई था ही नहीं। उन्होंने अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस और आइडियोलॉजी के बलबूते पर वहाँ शिष्य बनाए, लोगों को कन्विंस करा और अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए ज़ोरों शोरों से लग गए। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। मैं भारत वापस चला जाऊँगा लेकिन मैं समझौता नहीं करूँगा। आप जो बता रहे हो नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, ये अमेरिका में चलेगा नहीं, लोग सोचेंगे ये क्या है, उनके लिए सामान्य बात है ये, आप ये सब बता रहे हो। प्रभुपाद ने कहा मैं भारत वापस चला जाऊंगा लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी को भाई नहीं था, जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन हम सच्चाई से जो है पीछे नहीं हटेंगे।